ऑल राइट, हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद पीयूष, और वेलकम टू द चैनल लर्न विद पीयूष इफ यू आर सम ओल्ड व्यूअर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्टेन थिंग विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टू थिंक ऑफ व्हाइल इट कम्स टू द कॉलेज काउंसलिंग एंड कॉलेज सेलेक्शन। सो अज्यूमिंग कि सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल मेन्स एडवांस्ड एंड देन कॉमेट के बिटसैट डब्ल्यू बी जेई वट एवर जो भी एग्जाम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम जेई, एवरी एग्जाम्स इज ओवर राइट नाउ, अज्यूमिंग दिस थिंग, एंड एवरी काउंसलिंग बॉडी इज एक्टिव नाउ, लाइक दे आर एक्सेप्टिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दे आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द चॉइस फिलिंग एंड ऑल, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट? अज्यूमिंग एवरीथिंग इज हैपनिंग, राइट? सो देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू मस्ट टेक केयर ऑफ वाइल यू आर डूइंग योर काउंसलिंग बाई योर ओन, ओके? एंड आई थिंक यू शुड डू योर काउंसलिंग बाई योर ओन बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील and you can do it very well. Many students get scared of this thing, word counseling, ki okay, college mein admission lena padega, you have to go through certain procedure called choice filling, you know, how to do choice filling and all, kahin kuch galti ho gayi and all, technical terms, technical faults ho gaye to kya hoga? No need to worry about. If you want a detailed video on all this, you can just tell me in the comment section that okay, we want further more videos on this and I will be creating those. For right now, let me introduce myself. I am a second year engineering undergrad student. And I have my experience of counseling. I have done my counseling not from only one body, let's say not only from JOSA. I have done counseling in different bodies, right? So I know ki kaise counseling karte hain aur kya kya cheeze hoti hai jo ki aapko dhyan mein rakhni chahiye. From my past experience, I'm gonna share this and this becomes very important. So please take care of that and watch this video till then. Sabse pehli cheez jo aapko dhyan mein rakhni chahiye, wo hai location. Many people underestimate this पॉइंट, बट दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग दिस कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि लोकेशन ऑफ कॉलेज क्या है, कॉलेज का लोकेशन क्या है, क्या वो नॉर्थ में है या वो प्योरली साउथ में है, ठीक है, उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम नॉट टारगेटिंग दोज स्टूडेंट, ओके, आई एम जस्ट टारगेटिंग दोज कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो कि डरते हैं कहीं ना कहीं, यू नो, बिल्कुल ही ऑफ प्लेस पे जाके, अपने नेचुरल हैबिटेट से निकल के बिल्कुल ही अलग कल्चर में जाके कॉलेज लेने का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम बिहार, सो आई लिव इन नॉर्थ, राइट? सो अगर मैं बिल्कुल ही साउथ चले जाऊँ, सो फॉर मी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, और मेरे लिए हुआ था बिकॉज आई गॉट अ कॉलेज फ्रॉम द काउंसलिंग, कॉमेट के काउंसलिंग, एंड आई वॉज जस्ट लाइक हैविंग दिस ऑफर on the computer screen that okay, either I have to accept it or reject it, and it was a very difficult situation because sometimes you're not sure that okay, you will land up to any college or not because of the rank or something. So we are not getting into that fact, we will be discussing that kisi aur video mein, but abhi ke liye main ye keh raha hu ki mere paas samne offer tha, but abhi doubt ye tha because I am a guy, because I know that thing ki main एक ऐसा इंसान हूँ जो कि घर से बहुत ज़्यादा दूर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता, मुझे होम सिकनेस होती है, आई नीड टू गो होम एवरी सिक्स मंथ और समथिंग, राइट? और एवरी फोर्थ और फिफ्थ मंथ। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज अगर मैं घर पे जा रहा हूँ, बिकॉज दैट मीन्स आई एम एबल टू मीट माई फैमिली वेरी फ्रिक्वेंटली, आई एम मेंटली वेरी स्टेबल, हैप्पी, राइट? आई एम मेंटली साउंड एंड आई विल बी परफॉर्मिंग गुड इन माई कॉलेज, लाइक इन माई इंटायर कॉलेज लाइफ, राइट? सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर किसी को लग रहा है कि लोकेशन को लेकर उन्हें डाउट है कि यहाँ मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, प्लीज़ री थिंक ऑफ इट, अपने फैमिली में बात करो, अपने किसी रिश्तेदार से बात करो अगर वो वहाँ रह रहे हैं तो, बिकॉज आई टॉक्ड अलॉट एंड एट द एंड द कॉलेज आई गॉट थ्रू कॉमेट के वाला, आई रिजेक्टेड दैट एंड नाउ यू वोंट बिलीव आई एम वेरी मच हैप्पी बिकॉज आई हैव माई फ्रेंड्स हु टोक कॉलेज इन द साउथ एंड नाउ दे आर वेरी मच सफरिंग, राइट? सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट टू अवॉइड द लोकेशन वाला फैक्टर, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, ब्रांच वर्सेज कॉलेज। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूज और यू नो अ टॉपिक विद वेरी लेस क्लैरिफिकेशन कि ब्रांच को प्रेफरेंस दे या फिर कॉलेज को प्रेफरेंस दे, किसको दे प्रेफरेंस। नाउ दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, आई विल टेल यू हाउ। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम स्टूडेंट इज गेटिंग IIT, okay, for example, old 7 IIT is talking about, let's talk about IIT Delhi, okay? So if somebody is getting IIT Delhi and the branch is, let's say, mechanical, okay? So I don't think anyone will reject the seat. Everyone should accept the seat because IIT Delhi, the college itself has a culture jo ki tumhe kahin aur nahi milega. To wo culture wahan pe ek important factor ban jata hai as compared to branch, okay? सेकेंडली, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कॉमेट के थ्रू कोई कॉलेज है, उसके अंदर यू आर गेटिंग मैकेनिकल एंड देन यू आर लाइक यू नो ट्राइंग टू प्रेफर गिव द प्रेफरेंस टू द कॉलेज, आई थिंक वो चीज़ गलत हो जाएगी बिकॉज देर इज दिस थिंग, अ कॉमन थिंग दैट ट्राई टू टेक ईदर
CSE or related branches or max to max ECE in the colleges which you think that is not the old 7 IITs jaisa college obviously. So in that case it becomes very important, right? तो ब्रांच वर्सेस कॉलेज में आई थिंक दिस इज सब्जेक्टिव. आई टोल्ड यू कि कैसे तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है. बट स्टिल आई विल से नाउ डेज बिकॉज देर इज दिस थिंग परसेप्शन इज गेटिंग बिल्ड एंड समवेयर इट इज राइट ऑल्सो बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन द सोसाइटी दैट नाउ डेज ओनली योर स्किल सेट विल मैटर बिकॉज देर आर पीपल हु आर जॉबलेस इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एन IIT एंड देर आर पीपल हु आर हैविंग अ वेरी गुड जॉब इवन इफ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एनी नॉर्मल कॉलेज और लाइक नॉट वेरी फेमस कॉलेज. So try to think on this and decide it very wisely on this topic. Third and very important is, बहुत सारे बच्चे counseling करने से डरते हैं, right? They have this fear of doing counseling by their own because उन्हें लगता है कभी कुछ technical fault हो गया तो शायद मुझे जो seat मिल सकती थी वो ना मिले. Fair enough, justified. उसके लिए YouTube के ऊपर बहुत सारे videos हैं जो कि आप देख सकते हैं and you will get proper guidance on that particular topic. YouTube पे बहुत सारे लोगों ने informative video डाल रखा है regarding counseling and all. But I will tell you that on the name of counseling, there are people who are doing business. They will ask you some amount. For example, मुझसे एक counselor ने मांगा था some amount like 25,000 or something just for the counseling. Just for the counseling. What counseling? कि जिसपे कि उनको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो पिछले cutoffs को meet like cutoffs को देखेंगे and फिर they will get to know कि मुझे college मिल रहा है नहीं मिल रहा. पहले उन्होंने मेरी detail मांगी, then they got to know कि ठीक है इसको यहाँ मिल सकता है and they charged me money. Like they asked me for the money. And I was like, no, 25,000 just for the college counseling will be very much like a huge amount. So I avoided that and I did my counseling on my own, just gathering information from Google, from YouTube, from internet and all, right? And yeah, I got the college. I thought that will be aligning with every factor that I was considering, be it location, be it my own task or purpose that I'm doing to, being in my own ambitions in my life. So everything I considered and with that, I just got the college, whichever college I wanted. Cool. So yeah, this is all for the video and comment section mein I want everyone to know ki agar aapko aur bhi zyada iske upar videos chahiye, you can just pin me in the comment that okay, we want more videos. I will drop more videos on this topic because I just want ki authenticity honi chahiye aur logo ko khud hi capable hona chahiye ki wo khud apni counseling kar sakte hain, right? और काउंसलिंग भी करते टाइम देर आर सर्टन टॉपिक्स जो मैंने अभी डिस्कस किया वो बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट दे शुड नॉट बिकॉज उसके बाद फिर मेंटल पीस इज लाइक ओवर. ओके, बिकॉज आई हैव माई फ्रेंड इन द एंटायर लाइक साउथ वाला जोन एंड नाउ जब वो जा रहा था ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बट नाउ ही इज लाइक रिग्रेटिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल फूड, फॉर एग्जाम्पल कल्चर, द लैंग्वेज. सो दीज थिंग्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड आई थिंक फॉर सर्टन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. सो मुझे लगा मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, सो आई डेड. होपफुली ये वीडियो तुम्हारी हेल्प करेगा और हेल्प किया होगा इस वीडियो ने. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे. सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर. थैंक यू सो मच. बाय बाय.